तो आपने जेएनयू हिंसा पर बॉलीवुड के बोल तो सुने, अब आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के छात्रों की आवाज सुनाते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के छात्र क्या कहते हैं जेएनयू बवाल पर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जेएनयू में छात्रों के साथ घटना हुई है, सही है गलत है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी नहीं, हम भी एक छात्र ही हैं। जिस तरह पुलिस वालों ने मारा एक लड़की को, इतना पीटा है, तो बिल्कुल गलत है। चलिए शुक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये सब तो बहुत बुरा हुआ है, पर ये किसी को नहीं पता कि किसने कराया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एबीपी वालों का है, कुछ लोग कह रहे हैं लेफ्ट वालों का है, तो अभी तक कोई डिटरमाइन नहीं कर पाए कि किसने गुंडे बुलाए या किसने पिटवाए या पुलिस देर में आई या ये सब षड्यंत्र है, इसलिए कोई अभी तक कुछ सही से बता नहीं पाया है। आपका क्या कहना है? इसमें पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किसने हॉस्टल में जाके उस लड़की को बुरी तरह पीटा है। कई छात्र एम्स में भर्ती हुए हैं, लेकिन सारी पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम करने पे पड़ी हुई हैं। उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। हमारे राजनीतिक जोड़ी जा रही है इसमें। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? कठिन से कठिन मतलब कि कार्रवाई करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसने क्या करवाया है। कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि किसने गुंडे भेजे और पुलिस क्यों लेट में आई। और एक लड़की को जिस तरह पीटा गया है, उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी, मैं भी लड़की हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं भी कोशिश करूंगी ना खुद को बचाने के लिए। तो मतलब कैंपस में पुलिस को नहीं आना चाहिए था, मतलब लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए। शुक्रिया, क्या कहना है आपका? सर सॉल्यूशन जी, सॉल्यूशन तो अब ढूंढना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को, जिस तरह ये लोग ऐसे कर रहे हैं लाठी चार्ज वगैरह, तो सही नहीं है। सॉल्यूशन तो यही है कि ना करें ऐसा, उनकी बात को सुने, समझें क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को जो है देखा जाए, गौर किया जाए, उनकी क्या मांगे हैं। मांग तो खैर ये कि यही है कि फीस ना बढ़ाई जाए, तो उनको उनका थोड़ा देखा जाए कि कौन किस हिसाब से कोई एफर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कुल मिला के बात ये कि उनकी बात को सुना जाए और इस तरीके से लाठी चार्ज वगैरह ना कराया जाए। शुक्रिया, आप लोगों का क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके सोल्यूशन में यही कहना चाहेंगे कि उन्हें देखना चाहिए बच्चों की कैसी मांगे हैं, छात्राओं कैसी मांगे और पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए और ये सब रुकना चाहिए। सब स्टूडेंट साथ अच्छा नहीं हो रहा है जो। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे होना चाहिए और सोल्यूशन पहले ढूंढना चाहिए। जो उस लड़की के साथ हुआ वो बहुत गलत था। राजनीति हो रही है ये, मतलब कि ये क्या है? अगर राजनीति हो रही है तो मतलब छात्रों के साथ क्यों हो रही है? वो तो पढ़ने आते हैं ना, उन्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ये क्या है, मतलब कि गुंडे भेज दिए और लाठी चार्ज करवा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरीके से बहुत गलत कर रहे हैं, पॉलिटिक कर रहे हैं ये लोग, को पॉलिटिक्स से दूर करना चाह रहे हैं। जबकि आजकल के जो युवा हैं वो इस देश का फ्यूचर है, उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए और अपना पूरा सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को उनकी बातों को गौर करना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या पॉलिटिक्स को किस तरीके से समझ रहे हैं या वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या चाहते हैं, इन चीज़ों का गौर करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी ऑफकोर्स इस इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है, तो वहाँ के बच्चे अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका गौर उनको ज़रूर देना चाहिए उस पर। शुक्रिया। ये जो पूरा मामला हुआ है, आपकी नज़र में जेएनयू का कितना सही है और कितना गलत है? जैसे पिछले कुछ दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में जिस प्रकार से छात्रों के साथ बदतमीजी करी जा रही है, चाहे वो नकाबपोच लोग हों, चाहे कुछ पुलिस वाले जो जैसे जिस प्रकार से हॉस्टलों में घुस रहे हैं, एक ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग के छात्रों के साथ जो देश का भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी रक्षा का कोई भी, अब देखा जाए तो किसी तरीके से भी रक्षा को कोई बचा नहीं है कि छात्र अगर सुरक्षित हैं विश्वविद्यालय में या विद्यालयों में। ये एक बहुत चिंतापूर्ण विषय है हम सब के लिए, क्योंकि छात्र जो है, हर देश का कोई भी छात्र हो, वो इस देश का भविष्य होता है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी नज़र में कितना गलत है ये? सर पूरा गलत है। मतलब किसी भी कॉलेज में घुस के अगर पुलिस बाहर खड़ी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ठीक कर रहे हैं, अब उनके नज़र में अगर पढ़े लिखे हैं तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं गलत है या सही है, उनको नहीं पता है फिर फ्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप घुस के मारपीट करते हैं, लड़कियों पर हाथ पैर उठाते हैं, लाठी आटी लेके, वो पूरा गलत है। और पुलिस देख रही है तो पूरी गलत है। इसमें जितने भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए पूरी तरीके से। कैसा, कितना गलत है? जी बिल्कुल गलत है ये मेरी नज़र में। और यह भी हम देख रहे हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स में कि कुछ लोग इसमें बता रहे हैं ये लेफ्ट विंग का काम है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एबीवीपी वालों का काम है। भले ही ये लेफ्ट विंग ने शुरू किया हो और वो नकाबपोश कोई भी लोग हों,
ये बिल्कुल गलत है ये करना। और किसी भी कैंपस में आप बाहर के होकर आपको एंट्री कैसे मिल जा रही है, ये सबसे सोचने वाली बात प्रशासन के लिए यही है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इस कॉलेज की, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके इधर में इस तरीके से मारपीट हुई महिलाओं को भी, लड़कियों को, टीचर्स को भी मारा गया, कितना गलत है ये? बिल्कुल ही गलत है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना, लड़कियों को मारना इज वेरी रॉन्ग। एक कॉलेज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, या ही लड़की हो या ही लड़का हो, जेंडर इक्वालिटी बहुत मेजर होती है, लेकिन लड़कियों पर भी इतना ज़्यादा हाथ उठाना इज वेरी रॉन्ग। मेरा भी यही मानना है कि सबसे बड़ा सवाल तो कॉलेज की सिक्योरिटी पर इससे खड़ा होता है। और ऑब्वियसली लड़के और लड़कियों दोनों को ही, स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, और वहाँ पे जाके अगर उनके साथ ये सब हरकतें हों तो फिर कोई माँ बाप भेजेंगे ही नहीं उनको वहाँ पे। कॉलेज में भी बहुत बड़ा सवाल उठता है और ये गलत तो है ही। आपकी नज़र में क्या है? सब बिल्कुल गलत है ये, ना सिर्फ कॉलेज की सिक्योरिटी मगर सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी और टीचर्स भी जो हमें इतनी शिक्षा दे रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी और जो बाकी जो वहाँ पे कैंपस में लोग और लोग रह रहे हैं जेएनयू के, उनको भी खतरा हो रहा है। इन शॉर्ट ये पूरा एक देश खतरे में आ रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है और साथ में फ्यूचर के साथ भी बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। मेरे हिसाब से गलत है, जो घुसकर जो लड़ाई मारपीट जो करी है लड़कियों के साथ वो बहुत गलत करा है और ये करना नहीं चाहिए, ये गलत करा है। जांच होनी चाहिए इसकी, पड़ताल होनी चाहिए, क्या कारण था, कैसे घुसे उसमें, कितने लोग थे, क्या हुआ था, क्या बात थी, ये सब जानकारी पता होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गुंडागर्दी जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार में चलती थी, अब मोदी जी की सरकार है तो नहीं चलनी चाहिए। ऐसा होता है तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। गलत हुई है, बहुत गलत हुई है सर। अगर मारपीट किसी स्टूडेंट के साथ होती है तो कल हमारे साथ भी होगी, हम भी तो एक स्टूडेंट हैं। एज अ स्टूडेंट मेरी ये राय है, ये जो भी हुआ है जेएनयू में दिल्ली में वो बहुत गलत हुआ है। ऐसे तो हम भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम ये चाहेंगे, सरकार से दरख्वास्त करेंगे, जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई कार्रवाई की जाए और कुछ निर्देश निकाले जाए। राय तो ये उनके साथ गलती तो हुई है वैसे, हाँ, और ये ज़्यादातर नेता लोग ज़्यादा करवा रहे हैं वहाँ का, वो ज़्यादा भाषणबाजी। और वैसे मेरे हिसाब से तो ये अब निपट जाए वो सही है, नहीं तो और ज़्यादा दंगा होगा फिर बीच में। जेएनयू में जो हिंसा हुई है, जो कुछ नकाबपोष गुंडों ने घुस करके जिस तरह से छात्रों के साथ मारपीट की है, उसमें निश्चित तौर पर सरकार और पुलिस की मिलीभगत हुई है, क्योंकि वहां पर छात्र संघ के अध्यक्ष ने फोन किया उसके बावजूद भी 3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। ये लोकतंत्र की हत्या है। पहले जामिया में जिस तरह से छात्रों के ऊपर हमला किया गया पुलिस द्वारा, और उसके बाद जेएनयू में जिस तरह से हमला किया गया, ये लोग देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये देश में अघोषित आपातकाल लागू करना चाहते हैं। जेएनयू में जो हिंसा हुई है ये अत्याचार है, और जो संविधान के विरुद्ध ये साजिश है, ये सरकार ये करा रही है, ये बहुत अन्यायपूर्ण है। छात्र संघ की अध्यक्षा छात्राओं पर, छात्रों पर जिस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, ये देश में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है ये पहले कभी हुआ नहीं है। ये भाजपा की सरकार में अत्याचार, अन्यायपूर्ण छात्रों नौजवानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। प्रकार से देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में जेएनयू में इस प्रकार की घटना हो रही है, ये देश भर के उन सभी कॉलेजों के लिए एक शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार से फीस वृद्धि को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, और जिस प्रकार से रविवार के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया गया था, और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे जिस प्रकार से छात्र अपने लिए आवाज़ उठा रहे थे, रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे थे, उस पर अचानक से एवीपी इकाई के अध्यक्ष जो जेएनयू में हैं उन पर एक हमला किया गया था, जिसके बाद उस जो रविवार को जो मूर्ति के नीचे जो रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे थे उसके लिए उसमें से 10 छात्रों को उठाया गया था। और अभी तक एवीपी के अध्यक्ष ने बताया था कि जिस प्रकार से हमारे छात्रों को उठाया गया था, हमने पुलिस से मांग की थी कि हमारे उन 10 छात्रों को सही ढंग से तलाश किया जाए और उनकी निष्पक्ष जाँच की जाए। जिस प्रकार से जेएनयू एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, और वहाँ अगर छात्रों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होता है तो
हमारी तो यही कामना है, जो ऊपर बैठे हुए हमारी न्यायपालिका है, हमारे ऊपर बैठे हुए सभी उच्च लोग हैं, वे इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं का संशोधन करें, क्यों ये इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, और इस घटना के पीछे जो भी लोग जुड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द दंडित किया जाए। जिस तरह से सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं अगर जेएनयू की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह से छात्रा अध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई है और मारपीट की गई है, और वहाँ पे प्रोफेसर के साथ जो मारपीट की गई है, तो ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और सरकार को जो ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका जाए जिस तरह से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो ये एक खोखला दावा है। जब ये न्यूज़ हमारे सामने आई तो हमें बहुत मेरे दिल को ठेस पहुँची। ऐसे जो हम यूनिवर्सिटी जाते क्यों है, हमें शिक्षा मिलती है, हमें अनुशासन वहाँ का फॉलो सारे जो हमें बचपन से सिखाया है, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, पर ये गुंडागर्दी से कुछ फ़ायदा नहीं है। पॉलिटिकल व्यू हर चीज़ को मतलब लोग बनाते हैं बस, हाँ, जिससे उनका ये है कि राजनीति को और बढ़ाया जा सके, बस हर चीज़ को लोग राजनीति व्यू देते हैं बस यहाँ पे, हाँ। बाकी कैंपस में तो मारपीट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटना में देखिए हॉस्टलों का नुकसान हुआ, जेएनयू की इमेज खराब हुई। जेएनयू मात्र एक यूनिवर्सिटी इस साल टॉप 300 क्वेस रैंकिंग वर्ल्ड में आई है, और इस तरह की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा हो रहा है तो अब ये मान के चलिए कि ये देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे वहाँ के स्टूडेंट हो, चाहे बाहर के हों, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या किसी अन्य पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड हो। तो बवाल जेएनयू में हुआ, लेकिन छात्र चाहे उत्तर प्रदेश के हों या फिर उत्तराखंड के, वो इस बवाल पर क्या सोचते हैं, इसे कैसे समझते हैं, वो आपने देखा। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आनंद टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।